नमस्ते बच्चों, आज हम हमारी पहली कविता हम यह देखने वाले हैं। इस कविता में हम देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य यह हमें देखना है। जिस देश में, जिस समाज में हम बड़े हुए हैं, उसके भी हम कुछ देन रखते हैं। वह देन क्या है यह हम इस कविता में देखेंगे। हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे। कण कण को, तृण तृण को मोती मानक सा चमकाएंगे। हम तरु तरु के नए सुमन बन उपवन नए सजाएंगे। नूतन मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र लुटाएंगे। हम भ्रमरों की नव गुंजन पर नूतन स्वर में गाएंगे। कली कली का फूल फूल का आनंद हृदय खिलाएंगे। हम लहरों की नव उमंग बन सरिता नई बहाएंगे। सिंचित कर मिट्टी का कण कण हम सोना उपजाएंगे। देखो बच्चों, इस कविता में हम मतलब आप, मैं, हम सभी देश के, भारत देश के वासी, इस देश के रहवासी, इस समाज का एक अंग होने के वजह से हम भी इस देश को, समाज को कुछ देने लगते हैं। तो जिस तरह से प्रभात होते ही सवेरा सूर्य आता है तो उसकी किरणें क्या होती है, हर रोज नहीं होती है। वह किरणें क्या करती है, नई ज्योति बनकर सब तरफ प्रकाश की नई किरण बिखराती है। हमें भी हमारे विचारों से, हमारे नए नए प्रयोग से हमें क्या करना है, नई किरण बनना है सूर्य की। कण कण को, कण मतलब मिट्टी का छोटे से छोटा कण, तृण अर्थ है तिनका, तृण शब्द का अर्थ है तिनका। इस तृण का, इस कण का हमें मोती माणिक बनाना है। माणिक का अर्थ है लाल रंग का एक रत्न जो बहुत चमकता है। तो हमारे देश के मिट्टी का कण, एक घास का टुकड़ा भी कैसा होना चाहिए, मोती माणिक सा चमकने जैसा होना चाहिए। और उसे आपको और हमको मिलकर बना चमकाना है। हम तरु तरु के नए सुमन बन, तरु का अर्थ है पेड़, पेड़ पर अलग अलग रंग के फूल आते हैं, उन फूलों से ही बगीचा, उपवन, उपवन का अर्थ है बगीचा, बगीचा निर्माण होता है। तो हमें क्या करना है, हमारे नए विचारों का, हमारे अलग संशोधनों से हमें क्या करना है, यह उपवन बनाना है। उस उपवन में फिर मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र लुटाएंगे। अब मधु का अर्थ है शहद, मकरंद का अर्थ है फूलों का रस, और सुरभि का अर्थ है सुगंध। जिस तरह से बगिया में यह सब उपलब्ध होता है, उसी तरह से हमारे भी बगिया में यह सब होगा। और हमें उसे क्या करना है, सब तरफ बिखराना है। जिस तरह से कोरोना के इस संकट के समय में भी पूरी दुनिया में देश, हमारे भारत देश को अलग ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इस कोरोना से लड़ने के लिए सुरक्षा रखी है। मतलब घर में रहकर हम घर में रहकर क्या करते हैं, सुरक्षित रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं। उसी तरह से हमारा नाम भी इसी तरह से हर तरफ, हर पूरी दुनिया में फैलने वाला होना चाहिए। हम भ्रमरों के नवगुंजन मन, भ्रमर मतलब भवरा, उसकी जो पंख होते हैं, उसकी आवाज होती है, उसे कहते हैं गुंजन। हमें भ्रमरों की गुंजन के जैसा क्या करना है, नूतन स्वर में गाना है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हम दिन भर उसी को गुनगुनाते रहते हैं। उसी तरह से हमें जो कुछ भी नया सीखा है वह हमारे तक सीमित ना रहकर सब तरफ सबको बताना है। कली कली का फूल फूल का आनंद आनंद हृदय खिलाएंगे। अब कली मतलब आपसे जो छोटे बच्चे हैं वह, फूल मतलब आपके फ्रेंड, सहकारी, मित्र, उनको क्या करना है, उनको खुशी देकर, उनके मन में अगर खुशी होगी तो वह कैसे होंगे, उसके आनंद, आनंद का अर्थ है मुख, उनका मुख कैसा होगा, खिलेगा, खुश रहेगा। और हमें सबको खुशी ही बांटनी है। हम लहरों की नई उमंग बन सरिता नई बहाएंगे। हम लहरों की मतलब जब भी हम कुछ नया सीखेंगे तो हम वो हमारे पास नहीं रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, दूसरों को देने के लिए उतावले हो जाते। उसी तरह से हमें उत्साह से एक नई सरिता, सरिता का अर्थ है नदी, नदी बननी है अपने विचारों से, अपने आचरण से। इस देश में हमें दिखाना है कि हम क्या है, हम भी एक छोटे से बच्चे नहीं है, तो हम भी एक नदी बन सकते हैं। सिंचित कर मिट्टी का कण कण हम सोना उपजाएंगे।
इस मिट्टी का जो छोटा सा छोटा कण है उसे हमें बाहर नहीं जाने देना है, वह यहीं समेट कर रखना है और उससे सोना मतलब फसल उगानी है। वास्तव में सोना नहीं उगता, फसल उगाकर हमें सबको बांटनी है, यही इसी कविता का अर्थ है। इसी के साथ हम इस देश के समाज के प्रति देन होते हैं और वह हमें बड़े होकर देना है।